4 to 4 6 किलोमीटर से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरिस्ट व्यूअर्स। आज होंडा CG125 SE पर लॉन्ग टूर और एक नई जगह का लॉन्ग टूर व्यूअर्स। काफ़ी देर से अवेटेड था इस पे लॉन्ग टूर, मैंने नहीं किया था। इंजन ऑयल भी चेंज हो गया इसका और ट्यूनअप भी हो गया 4000 पे जो होता है। तो आज जी खूब सारी आपके पास वीडियोस आएंगी, आप सारी देखते रहना। और मैं जा रहा हूँ जी पंजाब साइड पे। जी पहले मैं आपको बता दूं कि साइड पे मैं राइड कर रहा हूँ जंड एंड लकड़मार। आपने ये नाम सुने होंगे लेकिन आई एम श्योर कि आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको वहाँ की सैर नहीं कराई होगी। तो अभी आई एम इन I-10 3 से राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। और जी मेरे साथ एक पिलियन भी हैं और खैर वो भी आपको मिलाऊंगा। मौसम की सूरत हाल ये है कि नहीं, बारिश नहीं है, हल्के हल्के बादल हैं, मौसम प्लेजेंट है। वरना ये है कि बेहतर हो गया, कल बारिश थी इस्लामाबाद में, उससे ये है कि बेहतर हो गया थोड़ा, वरना गर्मी हो रही थी। तो व्यूअर्स इधर से थोड़ा सा निकलते हैं, फिर आगे आपको दिखा दूँ जहाँ से मेन थोड़ा रास्ता पकड़ूँगा मैं। व्यूअर्स यहाँ से मैं कश्मीर हाईवे पे, यानी टूवर्ड्स, मोटा मोटा आपको ये बताऊँ कि टूवर्ड्स फतेहजंग, यानी पहले तो जो पेशावर का रास्ता, फिर आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि कहाँ से मैं टर्न लूँगा वाया फतेहजंग। ये कश्मीर हाईवे पे आ गए और जी कहीं से मैं फ्यूल रीफिलिंग भी करूँगा। यही था मेरा कि रास्ते में फिर फ्यूल भी डाल लूँ। और जी बिल्कुल मैं यानी इस रास्ते में मैं भी नहीं गया, मैं भी वहाँ पे आई एम गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक नया रास्ता होगा और यस एडवेंचर, आई लाइक एडवेंचर्स। तो बिल्कुल आप एंड तक देखना क्योंकि बिल्कुल नया रास्ता। और यस डेफिनेटली CG125 SE पे विद अ पिलियन, यानी आई एम राइडिंग। और वो जो मैं आपको परफॉर्मेंस बताऊंगा वो पहले नहीं बता सका क्योंकि जाहिर है मैंने वो सोलो राइड किया है और दो में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आगे चलते हैं। तो व्यूअर्स ऐसा करते हैं कि मैं इधर से ज़रा बाइक में टैंक रीफिलिंग करा लूं। जी बिल्कुल, ये कश्मीर हाईवे पे जिसके साथ मैकडॉनल्ड्स, अच्छा फिर शुरू हो गया। एक टाइम था कि ये शायद कहीं थोड़ा सही नहीं बना था। फ्यूल डलवा लूँ मैं। लेट्स सी। ओके जी फ्यूल डालते हैं। अच्छा फुल करना है, 117 रुपये 10 पैसे लीटर है व्यूअर्स। और लेट्स सी कि कितना आता है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ओके जी 270 रुपये
50 पैसे का दर्ज आया है और दोस्त ये दे देता हूँ। और वे आपको पता है काफी यहाँ पे मुझे ठीक लगा। अच्छा ये लाए इधर से व्यूअर्स, अब मैं निकलूंगा। स्टार्ट अगेन जी, रेडी? हाँ मैं तो रेडी। ओके व्यूअर्स, इधर से हम निकल रहे हैं। और जी खास कर मैं क्या कि डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा राइट हैंड साइड पे व्यूअर्स ये मेट्रो का था ही, मैं कहूँगा कि मतलब पड़ा हुआ प्रोजेक्ट, काम नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, जो कि बन जाना चाहिए था। अभी तक काफ़ी फ़ायदा हो जाता, मतलब एयरपोर्ट तक मज़े से चले जाते, सारा इंटरकनेक्टेड होती। चलें वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा तो व्यूअर्स जी टूवर्ड्स मोटरवे, यानी मोटरवे यहाँ से तो लाहौर की भी जाएगी और सारी अच्छा थोड़ा सा व्यूअर्स, यानी मैं समझे कि यहाँ से तो निकलूँ ना और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट टर्न लिया, सीधा जा रही है मोटरवे, क्योंकि हम लोग तो मोटर बाइक पे हैं, तो मोटर बाइक आपको पता है कि मोटरवे पे अलाउड नहीं है। अभी तो मेरा ख्याल है बड़ी मोटर बाइक्स का भी मसला चल रहा है, तो ये तो फिर खैर छोटी है। बहरहाल ये आई विल बी एंजॉयिंग दिस वन मोर इंशाल्लाह। ओके जी व्यूअर्स, ये आ गई है मेन जीटी रोड, जो पिशावर जाती है स्ट्रेट। अब यहाँ पे फतेह जंग के लिए कहाँ से टर्न लेना है, क्या कुछ है, मैं सारा आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। और ज़्यादा मेरी कोशिश असल में ये है कि जो नया रास्ता है वो आपको ज़्यादा दिखाऊं। सामने की तरफ मतलब सामने पेशावर है, बैक पे पिंडी है, रावलपिंडी। तो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक 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 व्यूअर्स, ये सीधा पेशावर जा रहा है और ये फतेह जंग के लिए मुड़ गए। अच्छा तरनौल रेलवे स्टेशन, तरनौल रेलवे स्टेशन यानी तरनौल तक भी ट्रेन पे आप आ सकते हैं व्यूअर्स। ये है तरनौल बाज़ार, तरनौल बाज़ार में मैंने सुना है कि गोश्त अच्छा मिल जाता है। ये देखिए मछली लगी हुई है। तरनौल बाज़ार की लुक, लेकिन यह कि तरनौल बाज़ार मेरी वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नज़र आ जाएगा,
ओके जी व्यूअर्स, अभी तक थोड़ा हाँ बाइक की रिपोर्ट ये है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही, बल्कि ये मेरा बल्कि सुने कि डबल पे CG 125 SC ज़्यादा जम कर चल रही है, उछाल नहीं रही, बिल्कुल कंफर्म। जिनके पास है वो ये समझ गए होंगे कि डबल पे ये ज़्यादा मज़ा कर रही है। जी तो ये यहाँ से व्यूअर्स ये फतेह जंग इंटरचेंज आगे, अच्छा ये कोई फैसल टाउन है, बहरहाल ये कि मोटरवे भी इधर ही मिलती है। फतेह जंग इंटरचेंज वाली मैं भी आपको दिखाऊंगा। तरनौल का तो जी हमने क्रॉस कर दिया, और यानी इसको मैं यही कहूँगा जी बिल्कुल फतेह जंग रोड पर हैं हम, लेकिन अभी यानी शुरू ही है। यस आने लगा है या ओके इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, ये लेफ्ट अच्छा ये तो फैसल टाउन है, हाँ आगे से है जी एग्जैक्टली आगे से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ से मोटरवे, थोड़ा फिर आपको ये है कि अंदाज़ा हो जाएगा कि किस साइड पर हूँ मैं। जी ये व्यूअर्स ये लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद मोटरवे, ऑब्वियसली लाहौर भी हमने जाना है सीधा। वो ऊपर जो ओवरहेड आपको नजर आ रहा है व्यूअर्स वो मोटरवे है। यस जी अभी तक तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, यानी मैंने जब आई स्टार्टेड फ्रॉम होम उस वक्त था 238 था, 269 है। ये ऊपर से व्यूअर्स मोटरवे जा रही है कीनू माल्टे, अच्छा जी और ये लेफ्ट को अगर आपने पेशावर जाना है तो ये लेफ्ट से जाएंगे। हमने जाना है सीधा तो थोड़ा और आगे चलते हैं व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स ये मैं बताता चलूं कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग आप देख रहे हैं ये मेन है जो कि पेशावर आई गेस ये पेशावर भी जाते हैं। एहतियात बेहतर है इनके पीछे क्योंकि कुछ पता नहीं होता कहाँ पे आ जाए। यस तो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे एग्जैक्टली अब फतेह जंग का बोर्ड भी लगा हुआ है, फतेह जंग को हाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी व्यूअर्स कोई लगा हुआ है मेरा ख्याल है, फिर यहाँ से भी कोई रास्ता डेफिनेटली होगा। यस अच्छा जहाँ जहाँ ब्रेक करेंगे व्यूअर्स सारा दिखाऊंगा चाय, हाँ जी 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 मैं अच्छा मैं चाय नहीं पीता लेकिन ऑब्वियसली जो मेरे साथ जो पिलियन है वो जहाँ जहाँ भी नहीं मैं भी पी लूँगा, मुझे क्या कहते हैं लास्ट नाइट यानी अमजद भाई से मुलाकात हुई
जी बिल्कुल, जिनके पास TNT 25 और वो RX है, वो मुझे कह रहे थे भाई आप टूर पे जाओगे खुद तो आप चाय अगर नहीं पीते तो जो साथ हैं आपके भाई पीते जाना अच्छा होता है। थैंक यू अमजद भाई, थैंक यू, ऐसा ही करूँगा। विंड गस्ट बहुत ज़्यादा है आज, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, इसलिए यानी सही डबल सवारी पे CG का पता चलेगा, खूब हवा का प्रेशर आ रहा है वहाँ से। ज़बरदस्त हवाएं डेफिनेटली आपको वीडियो में तो नहीं नज़र आएंगी हवाएं, लेकिन ज़बरदस्त है वो, आप अगर वो देखें धुआं किस तेज़ी से ईंटों का भट्टा राइट हैंड साइड पे और किस तेज़ी से किस तरीके से जा रहे हैं वहाँ से धुआं, वो आप देख सकते हैं, उससे हवा का अंदाज़ा आपको होगा। चलें जी और आगे चलते हैं, किलोमीटर हो गए 270, बहुत ज़्यादा विंड गस्ट है व्यूअर्स। अच्छा जी व्यूअर्स, जो जगह ये, इसका नाम है कुतबाल, QUTBAL यानी काफ तो बे अलिफ लाम कुतबाल। अच्छा बहुत ज़्यादा विंड गस्ट, बहुत ज़्यादा, यानी जब से मैं राइड कर रहा हूँ इतना ज़्यादा हवाओं का प्रेशर मैंने फेस नहीं किया, और ऑब्वियसली ऐसे में अगर 70 हो तो वो तो बहुत ज़्यादा मसला करेगा, या तो फिर ये कि बिल्कुल ही आप स्लो चलाएं। अब मुझे भी ऑब्वियसली उसकी वजह से ज़रा स्लो चलाना पड़ रहा है और चलाना भी चाहिए। ओके जी, बहुत सारे इनफैक्ट जब से एयरपोर्ट इस साइड पे आए यानी उस साइड पे, तो काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ काफ़ी हैं यहाँ। पेट्रोल पंप, लेकिन हम लोगों ने फिलिंग करवा ली थी, आपने देखा। और जी टोल प्लाजा, ओ यस टोल प्लाजा भी कुतबाल टोल प्लाजा है, QUTBAL ये फर्स्ट टोल प्लाजा यहाँ पे आया। यस पहला टोल प्लाजा भी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। क्रॉस हो गया है, अच्छा चलें थोड़ा आगे चलते हैं फिर। ये वो स्पॉट है जहां शाहपुर डैम भी है और यहां पे फिश के लिए राइड मैंने की हुई है, लेफ्ट और राइट सारे फिश और खैर दूसरे खाने भी यहाँ पे बनते हैं। और क्यों, क्योंकि यहाँ करीब शाहपुर डैम है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये डैम की फिश तो नहीं होती होगी, लेकिन जी फार्म्स की है मेरा ख्याल है, इधर इन्होंने फार्म्स बनाए और उसी में से निकालते हैं मछली। ओके मेरा ख्याल है कि जी राइट कहीं पे अभी मैं करूँगा,
डेफिनेटली ब्रेक करूंगा जी, ताकि मैं तो अभी चला सकता हूँ, यानी एट अ स्ट्रेच भी कोई इशू नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मेरे साथ जो पिलियन है या मेरा ख्याल लेफ्ट हैंड पे अपनी साइड पे जो आएगा वहाँ देखता हूँ मैं। यहाँ एक जगह चाय शाय चाय है, चाय जी 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 व्यूअर्स एक जगह कैसा, आप थके तो नहीं है व्यूअर्स? मैं बताऊँ, मेरे साथ अनवर भाई हैं और ये हम लोग राइड पे जा रहे हैं जंड, और अभी इधर हम पीते हैं चाय। नहीं दोनों ही हैं बस जी, हम दोनों हैं। और एक दफ़ा काफ़ी पहले आया था, खाना खाया था। हवा जैसी चल रही है कि बस कुछ ना पूछें, तो इधर हम स्टे करते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने मंगवाई है चाय गरम गरम। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आप ये चाय से अंदाज़ा कर सकते हैं, और हम अनवर भाई के बालों से अंदाज़ा कर सकते हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है व्यूअर्स यहाँ। व्यूअर्स बहुत ही तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा। और लुक दिखा दूँ आपको, ये लुक है। और 4287 आ गई है रीडिंग, निकलते हैं व्यूअर्स आगे। चाय वाय, चाय बहुत अच्छी थी व्यूअर्स, बहुत टेस्टी जी। राजा होटल नाम है इसका, साथ इसके पंप है।